तो बेसिकली हमें पिक्सार ओपन कर लेना है एप्लीकेशन, और देन सिंपली एड पे जाना है, एडिट फ़ोटो पे जाना है। देन आपको आपका फ़ोटो चूज़ कर लेना है जो एडिट करना है वगैरह वो। सो हम एक फ़ोटो चूज़ करने वाले हैं। अब मैंने एक फ़ोटो चूज़ कर लिया है, उसका ये फ़ोटो के कुछ ऐसा दिख रहा रहेगा, और उसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको। सो टूल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आपको जैसे एडजस्ट करना है वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो फोटोज़ को, ब्राइटनेस वगैरह बैलेंस वगैरह कर सकते हो आप। उसके बाद जस्ट आपको स्लाइड करके एक ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा रहेगा, ब्रश का ऑप्शन है वहाँ पे, टूल है तो ब्रश के टूल पे क्लिक करना है। एंड देन सिंपली आपको वहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है वो लो, तो वहाँ पे क्लिक कर लेना है लेयर्स के ऑप्शन पे, एंड एंड एड अ फोटो कर लेना है। सो ये आपको मेरे इंस्टा आईडी पे मिल सकता है। सो मुझे इंस्टा आईडी पे फॉलो करना मत भूलना, एंड देन आपको वो स्क्रीन पे लगाना है। सो मुझे ये फ़ोटो के लिए आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो मैं ये आपको इमेज दे दूँगा, सेंड कर दूँगा। सो ये जस्ट आपको स्क्रीन पे लगाना है, एंड देन ऐड कर लेना है। सो ऐसा कुछ आप ऊपर नीचे आजू या बाजू में ऐड कर सकते हो उसको। सो मैं जस्ट मेरे को पीछे लगाने का है, मेरे इमेज के पीछे। सो मैं अभी वैसे उसके वहाँ ही रख रहा हूँ, एंड देन मैं ब्रश का इसका रबर का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, एंड उसका साइज़ रबर का थोड़ा बढ़ाऊँगा अभी। सो रबर आपको भी वैसा ही करना है, एंड आपको सब इरेज कर लेना है जो अनवांटेड ड्राइंग से, उसको सब इरेज कर लेना है। सो हम अभी इरेज कर रहे हैं। सो आपको सब इरेज कर लेना है धीरे धीरे। सो हाँ, अगर आपको ये ऐसी ड्राइंग्स चाहिए रहेगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बहुत सारे लाता रहूँगा। और आप होप कि मुझे और सजेशंस दो कि इसके बारे में, सो मैं वो जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊँगा। इसके लिए आप मुझे सजेस्ट करो इंस्टाग्राम पे, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो ऐसे हम लोग ने कुछ रफ कर लिया है सब अभी फ़िलहाल तो, और ऐसा कुछ एकदम अमेजिंग फ़ोटो लग रहा है ये। सो फोटो बहुत क्रिएटिव लग रहा है। उसके बाद सिंपली हमें और कुछ और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमें जस्ट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो अभी मैं बताऊंगा। सो इधर बाजू में एम्प्टी लेयर का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना है आपने को। सो सॉरी मैं बाहर चला गया। सो वापस से मैं ब्रश टूल में जाऊंगा, एंड उसके बाद हमें जस्ट एम्प्टी लेयर आ जाएगा वहाँ पे। सो ब्रश टूल लेके उसका साइज़ कम कर लेना है, एंड वो डॉट वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, एंड जस्ट साइज़ कम कर लेना है, सेट कर लेना है। सो वाइट कलर चूज़ कर लेना है, और फ़ोटो को जूम कर लेना है, और जहाँ जहाँ आपको एकदम अच्छा लग रहा है नेक के वहाँ पे वगैरह आपको एक ड्राइंग कर लेना है आपके हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। सो मैं अभी ड्रॉ करना चालू कर रहा हूँ, एंड देखो बहुत क्रिएटिव लग रहा है। सो ऐसे मैं थोड़ा सा ही ड्रॉ करूँगा, क्योंकि बहुत ड्रॉ करने से फ़ोटोज़ अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दो तीन लाइन ही ड्रॉ करूँगा उसके बॉर्डर में, एंड आप फ़ोटो बाद में देख लेना कैसा लगेगा। सो फ़ोटो बहुत बॉम आएगा। सो लाइन एकदम केयरफुली ड्रॉ कर लेना है, उससे बहुत अच्छा लगे। सो मैं अभी नेक पे और हैंड पे के ऊपर ड्राइंग कर लिया है, आप और थोड़ा ड्राइंग कर सकते हो। हाँ सो मैंने ये भी कर लिया है, एंड आप ऐसे ही और थोड़ा और इंटरेस्टिंग ड्राइंग कर सकते हो आपके यहाँ वहाँ पे। सो ये हो गया है हमारा ड्राइंग करके। सो हाँ, अगर चैनल पे नए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए
तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे सजेस्ट करना मत भूलना। सो हमारा फोटो हो गया एंड देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको नॉर्मल सा सेव चाहिए तो ऐसा कर देंगे। अगर आपको कुछ आइडियाज़ वगैरह चाहिए तो आप टेक्स्ट पे जाने का, टेक्स्ट में बहुत सारे टेक्स्ट है, तो आपको जो अच्छा लगे वो टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। मुझे तो ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। इस ब्लू वाले के ऊपर आपको कुछ भी टाइप कर लेना है, अलोन वगैरह कुछ भी। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, आपको कुछ भी टाइप कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड देन हमने कर दिया ये। इसके टेक्स्ट का ये देख सकते हो, बहुत सारे फॉन्ट से वहाँ पे। आप कौन सा भी एक चूज़ कर लेना है फॉन्ट, एंड देन देख लेना ब्लेंडिंग मोड वगैरह। आप वहाँ से आगे से कलर भी चेंज कर सकते हो। हम अभी यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, एंड हमें बस एडजस्ट कर लेना है वहाँ पे ऊपर। मतलब ऐसा लग रहा है रहेगा कि थिंकिंग कर रहा है कुछ, तो वैसे वहाँ पे सेव एडजस्ट कर लेना है। ऐसे बहुत सारे फोटोज़ मैंने देखे थे बीच में जो फॉर्म में आ रहे थे या ट्रेंडिंग चल रहे थे, आप भी वैसे कर सकते हो। और आप सब फोन्स को एक बार चेक कर लेना, आपको जो अच्छा फोन्स लगे वो यूज़ कर लेना उसमें। एंड देन आपको थोड़ा डिक्रीज कर लेना है, एंड थोड़ा ब्लेंडिंग मतलब एयर वगैरह पे आपको थोड़ा और क्रिएटिव अच्छा लगे इसके लिए आपको वहाँ पे चूज़ कर लेना है। आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो वहाँ पे। देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से तो। बस ये हाँ मुझे और छोटा करना चाहिए। ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हो आपके इसमें। हाँ ये प्रॉपर लग रहा है, अभी एकदम क्रिएटिव फोटोज लग रहा है। और आपको फिल्टर्स भी मिल जाएंगे एफएक्स पे, तो एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। या नीचे बहुत सारे फिल्टर्स के ऑप्शन आ रहे रहेंगे आपको, जैसे कि ये ग्लिच के भी बहुत सारे फिल्टर्स है। आपको जो फिल्टर अच्छा लगे वो ऐड कर लेना आपके फ़ोटो में, और आपका फ़ोटो और क्रिएटिव और अच्छा दिखने लग जाएगा। ऐसे बाहर बहुत सारे जन एडिट्स करते हैं, आपको भी एकदम सिंपल है नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप फोटोज़ एडिट कर सकते हो। एंड जस्ट आपको उसके बाद सेव कर लेना है फ़ोटो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।